आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, पी एंड क्यू। फिर पी इज 87 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्यू इज 87 इज अ मल्टीपल ऑफ 29। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट बाय यूजिंग कनेक्टिव और फ्रॉम अबव स्टेटमेंट एंड चेक इट्स वैलिडिटी। नाउ पी एंड क्यू को हमें पी और से कनेक्ट करना है। 87 इज अ मल्टीपल ऑफ, दिस थिंग इज कॉमन इन पी एंड क्यू, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे एंड इट विल बी 87 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 29। तो ये इसका कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट जो और से कनेक्टेड होते हैं वो कब ट्रू होते हैं, वो होते हैं व्हेन आइदर ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ आर ट्रू। तो मतलब उनमें से कहीं एक भी ट्रू हो गया तो भी पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट विद और इज ट्रू इफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। Or both the component statements are true together. Now we need to see कि इन दोनों में से कौन सा true है, या तो both true हैं, ये भी हो सकता। Now 87 क्या होता है, multiple of 3 and 29. Now we can see that 29 into 3 is 87. Hence P भी true है, Q भी true है, क्योंकि 87 is a multiple of 3 and 87 is a multiple of 29, दोनों ही true हैं। Hence in total we can see that the compound statement which is 87 is a multiple of 3 or 29 is true, since iski dono component statements true hai. Therefore the compound statement is true. Thank you. Class 6 to 12 se leke NEET IIT JEE mains aur advanced ke level tak 10 million se zyada students ka bharosa. Aaj hi download kare doubtnut app ya whatsapp kijiye apne doubts 8400400400 par.